Hi, my dear students. So till now we have been studying the basic concepts about the genetic laws which was proposed by Mendel. So before going further into some other concepts which are very basic and critical to understand the basics of genetics, let us see some historical background. तो जैसा कि हमने देखा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए 7 साल तक, ठीक है, और फिर उसने जो लॉज प्रपोज किए 1856 से 1863 तक, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करके 1865 में पेपर पब्लिश किया और उसके बाद उसने ये अपने 3 लॉज दिए. बट मेंडल कभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए क्योंकि उनका जो पब्लिकेशन था इट वेंट अननोटिस्ड. द ग्रेट साइंटिस्ट्स और द फेमस साइंटिस्ट ऑफ दोज टाइम एक्चुअली डिड नॉट रिकॉग्नाइज मेंडल बिकॉज ऑफ द इनसफिशियंट कम्युनिकेशन और अनडेवलप्ड कम्युनिकेशन एट दैट टाइम. मोर ओवर दोज इन दोज टाइम्स द साइंटिफिक कम्युनिटी वॉज मेनली appreciating and they were mainly awed by Charles Darwin. You know, he was also a contemporary of Mendel. You all know that Darwin is a very genius, very great scientist, and he has numerous contributions in various disciplines including the evolution, right? तो Darwin ने जो है मेंडल के 2-3 साल के बाद, यानी मेंडल ने 1865 में पेपर अपना जो पब्लिश किया था, डार्विन ने 1868 में एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस. तो थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस वाज गिवन बाय डार्विन, ठीक है. अब इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि डार्विन उस ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े थिंकर थे, और आज भी ही इज़ कंसिडर्ड ए वेरी ग्रेट पर्सन. But this theory which was proposed by Darwin, the theory of pangenesis, is obsolete. That means ये valid नहीं है, अब इसको कोई नहीं मानता है, ठीक है. But फिर भी हम historic उसकी वजह से पढ़ेंगे इसको कि क्या है theory of pangenesis. Darwin ने ये कहा कि हमारी body, यानी कोई भी organism है, उसकी जो body है, उसके जो different parts हैं, different organs या different cells हैं, उनमें से कुछ एक छोटा सा पार्टिकल उसमें से निकलता है, उसमें से एक छोटा सा शेयर निकलता है और वो एज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस सर्व करता है, ठीक है. और उसको उन्होंने एक नाम दिया, जेम्यूल बोला, ठीक है. जेम्मा जेम्यूल हम पहले पढ़ चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट के केस में, सॉरी, उसमें जो मार्काइंशिया वगैरह है वो रिप्रोड्यूस करता है तो जेम्यूल प्रोड्यूस करता है. इवन स्पॉन्जेस में जेम्यूल प्रोड्यूस करता है बडिंग करके, ठीक है. तो वो जेम्यूल अलग है, वहाँ भी इट सर्व जो एक रिप्रोडक्शन का यूनिट एक तरह से उसको मान सकते हैं, जो बड्स निकलते हैं उसको वहाँ जेम्यूल बोला जाता है, या जेम्मा कप्स जो हमने पढ़े थे पहले. आप इवन 12th में भी आप पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के केस में कि जेम्मा से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन जो डार्विन का जो जेम्मा या जेम्यूल्स है, दिस इज डिफरेंट. सो व्हाट दीज जेम्यूल्स आर, so these gemmules are small units of inheritance which are derived from different parts or different cells of the body or different organs of the body which contain the information for that particular portion or that particular organ of the body, right. So these small units come from all the parts of the body, they get accumulated into the gamete, jo sperm ya egg hai उसमें बहुत सारे जेम्यूल्स छोटे छोटे आ करके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स से वो गैमीट के अंदर, एग या स्पर्म के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, डार्विन ने बोला. नाउ दीज गेम्यूल्स विच आर एक्यूमुलेटेड इन द गैमीट्स दे आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय द एग और स्पर्म, यानी थ्रू द गैमीट्स. नाउ व्हेन दिस गैमीट फर्दर फ्यूजेस एंड देन फर्टिलाइजेस टू गिव अ जायगोट एंड eventually to a new complete organism, then different organs or different parts or different characters of that particular organism are derived from these gemmules, ठीक है. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि gemmules एक तरह से seed का काम करते हैं, यानी
हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट से छोटा सा इन्फॉर्मेशन निकल के चला गया एग या स्पर्म के थ्रू, और फिर वो जाइगोट में इंफॉर्मेशन दे देगा और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के नया ऑर्गेनिज्म बिल्डअप होगा, और इस तरह से जो नया ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये करेक्टर्स इस जेम्यूल यानी ये जो सीड टाइप का जो चीज़ है उसके थ्रू आ जाएंगे, इनहेरिट होंगे इसके थ्रू। तो यही है थियरी ऑफ पेंजेनेसिस, ठीक है। सो दिस थियरी इज़ नो लॉन्गर वैलिड। अच्छा, मेंडल का वर्क जो अननोटिस्ड गया डिस्पाइट बींग पब्लिश्ड इन 1865, इट वेट अननोटिस्ड टिल 1900, राइट। उसका एक रीज़न ये भी था कि उस टाइम पे जो डार्विन ने और उसके जो एक दो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, स्पेशली मेनली डार्विन ही था, उसकी जो थेरीज थी और जो उसने प्रपोज किए थे चीज़ें, वो इतना ज़्यादा हावी था, वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था लिटरेचर में या लोगों के इमेजिनेशन में, कि हर कोई डार्विन 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 कर रहा था, और इसको मेंडल को मतलब स्पेस ही नहीं मिला, उसको रिकग्निशन नहीं मिला, ठीक है। तो एक तरह से ही वॉज शेडोड, सो ही रिमेन इनसिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। अब एक और थ्योरी आती है जो कि थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस के सिमिलर है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, लेट मी राइट इट फॉर यू। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो है ये क्या है, तो ये जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। तो पहले लोगों ने ये प्रपोज किया था कि जो इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स से आती है वो मिक्स हो जाती है ऑफस्प्रिंग में, इस तरह से ऑफस्प्रिंग का जो फिनोटाइप होता है, जो करेक्टर होता है, वो एक तरह से एवरेज होता है दोनों पेरेंट्स का, ठीक है। तो ये है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, दैट द फिनोटाइप और द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज एवरेज ऑफ द टू पेरेंट्स फिनोटाइप्स। सो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस ऑल्सो इम्प्लाइज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस एक तरह से ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की ही एक थ्योरी है, ठीक है। तो दोनों एक तरह से सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन जो डार्विन ने प्रपोज किया था वो थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस किया था, ना कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो है एक जनरल टर्म है जो कि जो मिक्सिंग या जो एवरेजिंग आउट है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ओल्ड थ्योरी यही थी कि ब्लेंडिंग होता है इनहेरिटेंस में, उसको डार्विन ने कंसोलिडेट किया थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस दे करके। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस सपोर्ट्स दी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ओके। बट मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे दे वेरी क्लियरली एंड वेरी कैटेगोरिकली यूजिंग एलिगेंट एक्सपेरिमेंट्स ही रिफ्यूटेड दी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सो दिस थ्योरी, दिस बोथ थ्योरीज आर नॉट वैलिड नाउ, ओके। चलो ये हो गई हिस्टोरिकल चीज़। अब एक दूसरी चीज़ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो अभी हमने पहले देखा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने पढ़ा, फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ा, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस असल में ये चीज़ होती है कि जैसे हमने देखा कि जो करेक्टर है उसके जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं या फॉर्म्स हैं उसको बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक। तो कोई एक ट्रेट, जैसे कि हमने एग्जांपल किस चीज़ का लिया था, हाइट का, वो किससे कंट्रोल हो रहा था, जीन टी या टी, तो ये दो अलील्स थे उससे कहीं कंट्रोल हो रहा था, राइट। तो व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, दिस इज मोनोजेनिक केस, ओके। मोनोजेनिक, मोनो मीन्स सिंगल, तो ए करेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन इज कॉल्ड एज मोनोजेनिक करेक्टर और मोनोजेनिक ट्रेट। तो ये जो हमने टिपिकल मेंडल का केस लिया उसमें है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कोई भी ऐसा ट्रेट या करेक्टर जो इंस्टेड ऑफ सिंगल जीन इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, इसलिए मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस।
तो ये और ये दोनों चीज़ सेम है, एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। जो हमने टिपिकल गार्डन पी के केस में पढ़ा, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और वहाँ पे हाइट वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए फैक्टर और जीन व्हिच इज़ कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर टू अलील्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, राइट। बट आप अगर रियल वर्ल्ड में देखें, जो हमें डे टू डे हम जो देखते हैं, मान लीजिए हाइट, अगर हम गार्डन पीक के बजाय अगर हम ह्यूमन हाइट ले लें, तो क्या ह्यूमन हाइट के केस में ऐसा होता है कि सिर्फ दो तरह की हाइट होती हूँ, टॉल एंड ड्वार्फ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ह्यूमन हाइट के लिए क्या होता है कि हाइट जो है वो वेरी करता है, और उसमें एक बहुत सारे रेंज होता है। सो दिस ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, ओके, इज स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। तो ये इसलिए है क्योंकि दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल जीन, रादर इट इज़ कंट्रोल्ड बाई मल्टीपल जीन्स। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स। सिमिलरली ह्यूमन स्किन कलर, दिस ऑल्सो इज कंट्रोल्ड बाई सेवरल जीन्स साइमल्टेनियसली, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या स्किन कलर है, इसको हम एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको डिटेल में। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है यूजुअली ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज यूजुअली क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम गार्डन पी के हाइट पे अगेन जाएं, तो वहाँ पे अगर कैपिटल टी जो है वो टॉल फिनोटाइप देता है, स्मॉल टी जो देता है वो ड्वार्फ फिनोटाइप देता है, तो ये क्वालिटेटिव चेंज लाता है, या टॉल होगा या ड्वार्फ होता होगा, राइट। लेकिन जो ह्यूमन हाइट है वहाँ पे एक डिफरेंट एक रेंज होता है, उसकी वजह से इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम इसको और थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये एडिटिव इफेक्ट जो है फॉलो करता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं नीट वगैरह में। तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ईच अलील का इफेक्ट एडिटिव होता है, यानी यहाँ जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है, या को डोमिनेंस हो जाता है, या फिर डोमिनेंस हो जाता है, यहाँ ये सब नहीं होता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स में, इसमें यूजुअली एडिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि हाँ ऑलवेज होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटिव इफेक्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एडिटिव इफेक्ट फॉलो करते हैं ईच अलील जो है, इन केस ऑफ द मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस और इन केस ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव जो है कैसे फॉलो करता है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने पॉलीजेनिक बोला, तो एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं। व्हेन वी से मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल मीन्स वाट, हाउ मैनी? सो हियर द नंबर शुड बी एट लीस्ट थ्री, ओके। सो दिस मल्टीपल मीन्स एट लीस्ट थ्री जीन्स शुड बी इन्वॉल्व, देन वी विल कॉल इट एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। सो दैट मीन्स थ्री जीन्स और मोर देन थ्री जीन्स शुड बी देयर टू क्वालिफाई इट एज ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो नाउ लेट अस सी अ लिटिल बिट मोर इन टू डिटेल। सो इन योर टेक्स्ट बुक इस ह्यूमन स्किन कलर इज गिवन एज एन एग्जाम्पल फॉर द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। सो लेट मी टेल यू वन मोर इन्फॉर्मेशन, मैनी ऑफ यू विल हैव दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द लास्ट पोर्शन ऑफ योर बुक इन द सप्लीमेंट्री मटेरियल, ओके। तो आप लोग पीछे जाकर के बुक में देख सकते हैं,
यूनिट 7 के चैप्टर 5 का कुछ पोर्शन लास्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल लास्ट में, बुक के लास्ट में, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो अगर हम ह्यूमन स्किन को एज एन एग्जांपल लें, ठीक है, तो इसको ये कहा जाता है कि ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। ओके, सो इफ यू टेक दिस जीन्स एज ए बी एंड सी, सो दिस डार्क स्किन एक्चुअली इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। सो इफ ऑल ए बी सी ऑल इन द कैपिटल, दे विल रिप्रेजेंट द डार्केस्ट स्किन, एंड स्मॉल ए बी सी ईच विद टू एलील्स विल रिप्रेजेंट द लाइटेस्ट स्किन। सो इफ यू मेक ए क्रॉस ऑफ ए ए बी बी सी सी ऑल इन कैपिटल विद ए ए बी बी सी सी ऑल इन स्मॉल, देन वी विल गेट कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ओके, सो दिस विल बी द इंटरमीडिएट स्किन कलर। सो दिस हाइब्रिड द एफ वन इफ इट डज सेल्फिंग, सो एक चीज़ यहाँ और देख लेते हैं, सेल्फिंग जो है ह्यूमन के केस में यूजली सेल्फिंग पॉसिबल नहीं है, राइट, तो बट एनीवे वो एक कॉन्सेप्ट है। तो और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं फॉलो होता है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जस्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम जब इसको सेल्फिंग कराएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब अगर हम ये ले, ले ये इसको ले लें, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इससे अगर हम गैमीट्स बनाएं तो कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे पनेट स्क्वायर में, ठीक है, आप ये देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट, बहुत सारे गैमीट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो उसमें जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल छोटा सा रूल बता दूँ, और ये इस रूल पे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, जब हमने हाइट को कंसिडर किया था तो वहाँ पे सिंगल जीन था, तो वहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी दो टाइप के गैमीट बने थे, टू टाइप के, तो टू रेज टू द पावर वन इज इक्वल टू टू। जब हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन स्टडी किया, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये लिया था, तब वहाँ पे चार टाइप के गैमीट बने थे, राइट, तो टू इज टू, टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर। इससे हमें ये क्लू मिलता है कि टू रेज टू द पावर एन अगर हम लगाएं तो टाइप्स ऑफ गैमीट्स टू बी प्रोड्यूस्ड हम निकाल सकते हैं, ठीक है, टू रेज पावर वन से हो जाएगा टू टाइप्स ऑफ गैमीट, टू रेज पावर टू से हो गया फोर टाइप्स ऑफ गैमीट। अब यहाँ पे थ्री जीन्स हैं ए बी और सी, तो यहाँ पे टू रेज पावर थ्री लगाएंगे तो एट हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, तो दो दूनी चार दूनी आठ, तो एट टाइप्स ऑफ गैमीट हो जाएंगे, प्रोड्यूस होंगे इसके केस में, ठीक है। तो ये फार्मूला या इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसको याद करिए। अच्छा, इसको अगर हम मान लीजिए फार्मूला के बजाय अगर हम वैसे सिंपली देखते हैं कि कैसे अगर हम निकालें इसको, तो आप ये देखिए ए बी सी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जब हम गैमीट बनाएंगे तो ए का भी एक होगा, बी होगा एक, और एक सी होगा, ठीक है, तो दोनों में से एक अलील आएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ए बी सी तीनों के जो कैपिटल है वो आ जाए, ए बी सी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दो लेटर्स कैपिटल हों और एक लेटर जो है स्मॉल हो, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, इसी तरह से कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, तो यहाँ पे ये दो लेटर हो गए कैपिटल, और थर्ड कॉम्बिनेशन होगा स्मॉल ए हो जाएगा और बाकी दोनों हो जाएंगे कैपिटल, तो ये तीन इस तरह के पॉसिबिलिटी होंगे। सिमिलरली अब हम तो पहले तीनों कैपिटल थे, फिर दो कैपिटल लिया, उसके बाद हम एक कैपिटल ले लेते हैं, तो ए को कैपिटल लिया यहाँ पे पहले, बाकी दोनों को स्मॉल ले लिया, फिर बी को कैपिटल लिया, बाकी दोनों को स्मॉल ले लिया, यहाँ पे सी को कैपिटल लिया, बाकी दोनों को स्मॉल ले लिया, ठीक, और उसके बाद तो तीन कैपिटल, दो कैपिटल, एक कैपिटल, उसके बाद जीरो कैपिटल यानी ऑल स्मॉल, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इस तरह से तीन तीन छः एक सात एक आठ, तो टोटल आठ गैमीट्स हमको मिल गए, आठ गैमीट्स इधर और आठ गैमीट्स इधर, ठीक है, तो एट बाई एट का स्क्वायर बनेगा पनेट स्क्वायर, तो टोटल आपको कॉम्बिनेशंस कितना मिलेगा, 8 इंटू एट इज इक्वल टू 64 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेगा, ठीक। अब हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की जो बात कर रहे थे, अगर हम स्मॉल में ए ए बी बी सी सी देखें तो ये लाइटेस्ट स्किन है, अगर इसको हम स्कोर दें जीरो, और ये जो हाईएस्ट, ये जो डार्केस्ट स्किन है इसको हम दें स्कोर, अगर हर अलील का एक इफेक्ट मान ले, कैपिटल है तो उसका इफेक्ट वन, स्मॉल है तो उसका इफेक्ट ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो 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 सब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल है तो इसका इफेक्ट वन मान लेते हैं अगर एक अलील का, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसका हो जाएगा स्कोर सिक्स। तो इस तरह से जो आपको स्केल मिलेगा स्किन कलर का, दिस विल वेरी फ्रॉम
0 to 6. So this will be a range. So 0 will be the lightest skin color, 6 will be the darkest skin color. So here no phenotype is dominant, no phenotype is recessive, rather only the quantity of the allele will be responsible for the trait. Okay, तो आप ये अब जैसे पनेट स्क्वायर में हम अगर इसको देखें तो जैसे ये तीनों एबीसी हैं कैपिटल में, तीनों एबीसी कैपिटल में है, तो यहाँ इस इन तीनों अलील का इफेक्ट हो जाएगा 3 और इन तीनों अलील का इफेक्ट हो जाएगा 3. तो ये पर्टिकुलर जो बॉक्स जो पहला आएगा कॉम्बिनेशन, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो इसका हो जाएगा 6 स्कोर हो जाएगा, तो ये डार्केस्ट स्किन कलर हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम ये लास्ट वाला देखें तो एबीसी स्मॉल में है, यहाँ पे एबीसी स्मॉल में है, तो इन दोनों का 0-0 हो जाएगा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा पनेट स्क्वायर में उसका 0 हो जाएगा, तो ये होगा लाइटेस्ट. तो डार्केस्ट स्किन कलर का एक इंडिविजुअल मिलेगा, लाइटेस्ट स्किन कलर का मिलेगा 0. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. अब ये जो एबीसी है ये तीनों कैपिटल हैं, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 हैं आप इसमें देखिए, इन 3 अलील में से ये फर्स्ट 3 में 2 अलील कैपिटल हैं, एक स्मॉल है, तो इन सब का स्कोर हो जाएगा 2-2-2, राइट. तो यहाँ से 3 आ रहा है, तो 3+2 5 इसका हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, इसका, तो ये तीनों का 5 स्कोर हो जाएगा. ठीक, इसी तरह से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसका 1-1-1. ठीक, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4-4-4. ये इस बॉक्स में तीनों का 4 स्कोर होगा. इसका 0 स्कोर है, तो यहाँ पे जो है 3 स्कोर, ये सीधा यहाँ पे चला जाएगा, 3 स्कोर हो जाएगा. इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5-4-4-3 आप ये देख लीजिए, इस तरह से आपको मिलेगा. आप इसको एक बार करके देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे स्किन के, तो स्किन कलर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप ये मैंने प्लॉट किया है, देखिए, तो जो डार्कनेस है 0 में लाइटेस्ट कलर है, 6 इज द डार्केस्ट कलर. सो इफ़ यू प्लॉट द नंबर और प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे दिस इज द डार्केस्ट, तो ओनली वन इंडिविजुअल विल बी द डार्केस्ट विद स्कोर 6. तो इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 1/64, राइट. तो ये 1/64 इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा डार्केस्ट वाले का, और इसी तरह स्मॉलेस्ट वाले का 1/64 हो जाएगा, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा, और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा. जो हाईएस्ट नंबर होगा या हाईएस्ट प्रोपोर्शन होगा वो स्कोर 3 वाले का होगा. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये 3 वाला इधर 3, ये हो 9, ये हो गया 9, ये हो गया 18 हो गया, प्लस ये 19 और इधर एक 20, तो 20/64 ये प्रोपोर्शन हो जाएगा किसका, तो 20 out of the 64 कॉम्बिनेशंस विल बी हैविंग स्कोर 3. सो दिस विल बी द मोस्ट अबंडेंट, दैट मीन्स दिस विल बी द मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स विल फॉलो दिस एवरेज कलर वेर वी क्रॉस दिस टू इंडिविजुअल्स. ओके, सो दिस इज हाउ द स्किन कलर follows the polygenic inheritance. So okay, now we will study next topic in the next lecture. Thank you.